कोर कमांडर कराची की ग्वादर में जख्मी, पाक फौज के दलेर सिपाहियों की PNS चफा में अयादत। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तखार ने बहादुर से दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निभने के लिए सरबकहफ रहते हैं। पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार है। आपको बता रहे हैं, हमारे जवान जो हैं वो दहशत गर्दों के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। जवानों का ये हौसला कभी भी पस्त नहीं हो सकता। पाक फौज के दिले जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार है, ये कहना था कोर कमांडर का। और आपको बताया, कोर कमांडर कराची की ग्वादर में दख्मी, पाक फौज के दलेर सिपाहियों की PNS शफा में अयादत। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिया कौसर। जी आसिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोर कमांडर कराची की ग्वादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दिलेर सिपाहियों की PNSF शफा में इयादत के लिए वो पहुंचे हैं। और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तखार ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। और कोर कमांडर कराची की जाने से नौजवानों को ये भी कहा गया कि कौम अपने दिलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए हर दम जो है वो तैयार रहते हैं। इन शेर जवानों का हौसला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब आप नहीं हो सकते। कोर कमांडर कराची ने इस मौके पर मजीद ये भी कहा कि पाक फौज के दिलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। कोर कमांडर कराची जो है वो आज पहुंचे हैं ग्वादर में, जो पाक फौज के दिलेर सिपाही जख्मी हुए थे उनसे अयादत के लिए। और उस मौके पर उन्होंने ये बातें भी की हैं और ये भी कहा है कि पाक फौज के दिलेर जवान जो है वो दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार है और इन्हें कोई कमजोर नहीं कर सकता और ना ही इन्हें तोड़ा जा सकता है। ये उन्होंने जो है वो मौका भी इख्तियार किया है, बयान भी दिया है और साथ ही साथ अयादत भी की है अपने जवानों की। शुक्रिया आसिया, आप हमें अपडेट कर रही थी।